हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सुबह का लाइव मेरा आज इस बारे में है। कल एक पोस्ट पर कमेंट किया था एक साथी ने। पोस्ट ये थी कि एक छात्र है, गरीब, दलित समाज से गरीब, उसको परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। जयपुर में कोई कॉलेज है, महाराणा प्रताप है ना, टेक्निकल कुछ, तो उसका फाइनल ईयर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, उसमें 3 साल वो पास कर चुका है और 4थे साल यानी फाइनल ईयर का उसका फीस वो समय से जमा नहीं करा पाया है, चूँकि गरीब है और उसने प्रॉमिस किया था कि उसको स्कॉलरशिप मिलते ही वो दे देगा, लेकिन फिर भी अब आप जानते हैं शिक्षा संस्थान दुकान हो चुके हैं, तो दुकान में क्या होता है, पैसे दो और सामान लो, यही है पूंजीवाद, निजीकरण यही होता है, इसमें कोई वेलफेयर का कंसेप्ट नहीं होता है। तो उसको मतलब परीक्षा नहीं देने दी गई। मैंने उसके लिए लिखा कि भाई क्या शिक्षा सिर्फ गरीबों के लिए, एक तरीके से अमीरों के लिए रह गई है, गरीब वंचित हैं उससे, मतलब शिक्षा प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से कि जिसकी जेब में पैसे वही खरीद पाएगा। तो एक छात्र वो कमेंट कर रहा है कि मतलब ऐसे नहीं है, मतलब जो फीस देगा वही पड़ेगा। तो ये लोगों की नागरिकता की समझ का लोप हो गया है, क्योंकि पढ़ते नहीं है, नॉलेज नहीं है उनको, ना लोकतंत्र के बारे में जानते हैं, न राज्य के बारे में जानते हैं, न कुछ अधिकारों के बारे में जानते हैं। तो इनको ये सब सोशल मीडिया तो सीखेंगे नहीं ये लोग, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्डेड कंटेंट आता है, जिनको जैसा बताया जाता है वैसा ही। तो आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का विकास कैसे हुआ, कैसे राज्य की संस्था अस्तित्व में आई, कैसे राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य के कितने प्रकार होते हैं, उनमें से पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र हैं बहुत सारे वो जानते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल समझना, लोगों को समझाना जरूरी है। आप किताब में पढ़ गए, एग्जाम में लिख के आ गए, उससे क्या मतलब है अगर आप उसको आत्मसात नहीं कर रहे, लोगों को समझा नहीं रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि लोग डेमोक्रेसी के अनेक रूप है, उनमें से यही रूप क्यों सर्वाइव किया, क्योंकि इसका उद्देश्य है लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। राज्य है, राज्य एक अमूर्त संस्था है, लेकिन वो किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में होता है, किन्हीं वर्ग के हाथ में होता है, तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, पब्लिक का अधिक से अधिक वेलफेयर, क्योंकि वो राज्य के नाम से सत्ता को एंजॉय करते हैं, अनलिमिटेड सत्ता होती है, पूरे राज्य के मालिक होते हैं। राज्य मीन्स यहाँ पे देश है, कंट्री है, नेशन है, कोई ये नहीं कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये राज्य नहीं। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है नेशन, एक तरीके से नेशन अलग कंसेप्ट है, लेकिन आप कह सकते हो ऐसा कि राज्य जिसके पास में सत्ता है, संप्रभुता है, क्षेत्र है, मतलब परिभाषा है उसके, घटक है राज्य के कई सारे। तो राज्य को आप यहाँ पे कंट्री समझिए, देश समझिए, जो स्वतंत्र देश है, ठीक है। तो राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी होता है, लोक कल्याणकारी वो राज्य होता है जो अपने नागरिकों का अधिक से अधिक हित करता है अपने संसाधनों के अकॉर्डिंग, तो उसको सामाजिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, उनको अवसर और प्रतिष्ठा की समानता देता है, उनको स्वतंत्रता देता है धर्म को मानने की। ये सब चीजें हमारे संविधान में है, इसका मतलब भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में ये नहीं कि किसी के पास अन्न नहीं है तो भूखा मर जाएगा, नहीं, तभी तो सरकार स्कीमें हैं, अन्नपूर्णा योजना या अंत्योदय योजना या जितने भी स्कीम्स हैं, ये क्यों है, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। क्यों मतलब मुफ्त गरीबों को ये कोरोना की वैक्सीन लगी है, क्यों कितने सारे स्कीम्स हैं जो गरीबों के लिए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लिए हैं, तो ये सब लोक कल्याणकारी राज्य इसलिए है। तो आप इसका स्वरूप को भूल रहे हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो कि ये मतलब फीस नहीं है तो पढ़ नहीं सकता। पढ़ाना राज्य की जिम्मेदारी है, अपने नागरिकों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, उनके लिए मतलब जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना, उसके लिए अवसर पैदा करना, ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। अब राज्य का कोई चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो मतलब सत्ता में है तो उसकी जिम्मेदारी है एक तरीके से कि वो ये ऐसा संसाधनों के हिसाब से पॉलिसी ऐसी बने, जो सिस्टम है ऐसा बने कि लोगों का, तो लोग अवेयर नहीं है, लोगों को अपने अधिकारों का पता नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, कैसे अधिकार मिले आप लोगों को। तो लोक कल्याणकारी राज्य है वो मतलब सामाजिक सामूहिकता की बात करता है वो, ये नहीं कि मतलब जिसके पास में पैसे हैं वो अनलिमिटेड मतलब चीजों को कुछ भी कर रहा है, खरीद रहा है, मन चाहे दाम पर बेच रहा है, मोनोपोली नहीं होती यहाँ पे राज्य आता है, हस्तक्षेप करता है और कंट्रोल करता है, कई बार जरूरी हो जाता है तो राज्य उसका अधिग्रहण कर लेता है। आपने देखा ना कैसे मतलब बैंकों का अधिग्रहण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया, नहीं तो निजी बैंक थे, एयर इंडिया था ये पहले मतलब टाटा का था, तो इसको राष्ट्रीय में ICBI जो बैंक था ये भी
ऐसे मतलब फिर 1969 में बड़े लेवल पर बैंकों का निजीकरण हुआ, तो ये राज्य करता है पब्लिक इंटरेस्ट में, नहीं तो आज जनधन खाते खुल रहे हैं यार, ये हर लोगों के पास में मतलब अकाउंट है यार, कितनी सारी फैसिलिटीज ये कैसे हो पाती है? अगर निजी बैंक रहते तो निजी लाभ के लिए कार्य करते, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्यों करते? तो सरकारी स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और सरकारी हॉस्पिटल हैं, हर कस्बे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, ये सब इसलिए क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है। तो इसी तरीके से ये शिक्षा देना भी, अगर कोई सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से तो उसकी ऐसे प्रोविजन भी है। मुझे एक ऑर्डर मिला था कहीं पे, मैंने पढ़ा, उसमें था कि फीस किसी के पास नहीं है तो वो कॉलेज उसकी एग्जाम रोक नहीं सकता। ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, प्राकृतिक न्याय का कोई सिद्धांत होता है कि भाई उसको नहीं रोक सकते ऐसे। तो ये जो जिस भी कॉलेज ने रोका है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं इसका आप फिर अब एक मुद्दे पर आप ऐसे बोलेंगे नहीं तो फिर आगे और बहुत सारे मुद्दे आएंगे, और सभी कास्ट में गरीब हैं ऐसा नहीं है, तो ये छात्र किसी भी कास्ट का हो सकता है, हालांकि दलित आदिवासी लोगों में ज़्यादा मिलेंगे ऐसे गरीब तबके के, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हर कास्ट में है, तो ये सबके लिए हमको आवाज़ उठानी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य है, किस तरीके से हेरल्ड लास्की से लेकर तमाम बड़े जो थिंकर थे पॉलिटिकल, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी, फिर उनको कैसे ऐसे ही तो धीरे धीरे एक कंसेप्ट डेवलप हुए, फिर एक राज्य का एक कॉमन कंसेप्ट अस्तित्व में आया, फिर जैसे संविधान बना, फिर और जो विद्वान थे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, उन्होंने ये डाले संविधान में अधिकार, तो वहीं से तो प्रेरित हैं सभी जो राजनीतिक सामाजिक दार्शनिक हैं, उन्होंने तय किए ये ऐसे अधिकार होने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ये, सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को जागरूक होना चाहिए, तब जाकर के आपके अधिकार सुनिश्चित होंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि खैरात नहीं है, आपको जो मिलता है वो खैरात नहीं है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है राज्य के कानूनों को फॉलो करना, राज्य का कानून का शासन है, रूल ऑफ द लॉ है, उसको फॉलो करें। और फिर राज्य की जिम्मेदारी जो है अपने नागरिकों को विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उन्हीं को कहते हैं राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, कितने सारे इसके कंसेप्ट हैं। तो आप लोगों को लोक कल्याणकारी राज्य को समझना चाहिए क्या है वेलफेयर स्टेट, और उसके बाद फिर इसी तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट है जो गूगल करो भाई, आप स्टूडेंट हो आपकी उम्र है सीखने की, सीखो चीज़ों को। व्हाट्सएप ये मत बनिए, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड जो नफरत के मैसेज हैं कुछ हैं आपकी, आपको एक्चुअली आपको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि आप अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ हो जाए, जाने नहीं उनको, मांग नहीं करें कुछ, जो मिल रहा है उसी में खुश रहें, समझ रहे? तो उसके बाद तो फिर एक दिन आपको मतलब अंत हो जाना है, फिर तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ऐसे तो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी खत्म है। तो थोड़ा पढ़िए लिखिए, अवेयर होइए अपने राइट्स के प्रति, ड्यूटीज भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है हर नागरिक की, हमारे भी जो मूल कर्तव्य है इसी तरह से मूल अधिकार भी हैं। मूल अधिकारों में ही मूल रूप से डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट छिपा हुआ है, समझ गए? मतलब भारत में मतलब भाई सारे जो है कानून का स्रोत संविधान है, किस तरह से उसकी प्रस्तावना में ये न्याय सुनिश्चित किया गया है, सामाजिक आर्थिक न्याय, अवसर प्रतिष्ठा की समानता, और मतलब बच्चे की गरिमा, ये सब चीज़ें, जीवन अनुच्छेद 21 है वो मतलब जीवन का अधिकार देता है, और मतलब ये सब अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये सब है जो ये वेलफेयर स्टेट के सिंबल हैं तरीके से। तो आप लोग इनके प्रति भी आपको अवेयर होना चाहिए, सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, इनको समझना चाहिए, ठीक है? और ये सामाजिक न्याय के तहत जो आरक्षण दिया जाता है ये भी लोक कल्याणकारी राज्य इसलिए दिया है भाई, जो वर्ग पीछे रह गए हैं जिनको मतलब अवसर की समानता नहीं मिली, इसलिए वो समानता के उस स्तर तक भी प्राप्त नहीं हुए, तो उनको यहाँ पर संरक्षण दिया गया है, ठीक है? आज का ज्ञान इतना ही, नमस्कार, जोहर, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। हाँ, ये जो बच्चा कह रहा है कि ये छात्रवृत्ति से दे देगा फीस को, छात्रवृत्ति वो भी वेलफेयर स्टेट है इसलिए मिल रही है, किसको छात्रवृत्ति? सरकार दे रही है छात्रवृत्ति, प्राइवेट कॉलेज थोड़ी दे रहा है, तो यही वेलफेयर स्टेट है इसलिए छात्रवृत्ति दी जा रही है ताकि गरीब बच्चा उसको पढ़ने में हेल्प मिले। अनुप्रति योजना होती है IAS कोचिंग करने वालों को, RAS कोचिंग वालों को जो सरकार देती है। मेरे एक मित्र अभी बोला था IPS है, वो कह रहा था कि अगर ये अनुप्रति योजना नहीं होती तो बहुत मुश्किल था IPS बनना, क्योंकि बेरोजगारी के दौर में लाखों रुपये 1-1.5 लाख लोग मिलते हैं, उसमें कितना खर्चा चलता है, किताबें आती हैं, कोचिंग के नोट्स आते हैं, और कमरे किराया,
तो वो इसलिए बन पाया क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, तो अभी उसका क्षरण हुआ है नो डाउट, निजीकरण के जैसे जैसे मतलब बढ़ रहे हैं कदम और क्षेत्र में निजीकरण बढ़ रहा है, वहां पर वेलफेयर स्टेट का मतलब क्षरण हो रहा है। तो लेकिन जनता ही जागरूक नहीं है तो फिर यही होगा एक दिन, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स के प्रति। नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर, जय भीम।